लेडी सिंघम ने जिसे समझा आईआरएस ऑफिसर जिसके साथ लिए सात फेरे वो निकला एक नंबर का नटवरलाल। डिप्टी एसपी को कैसे दिया धोखा, बड़े बड़े शातिरों को पकड़ने वाली मैडम कैसे खा गई गच्चा, हुआ खुलासा। बिटिया की शादी करनी हो या खुद के लिए ढूंढ रहे हो लड़का या फिर लड़की तो ये रिपोर्ट जरूर देख लीजिए। साल 2012 बैच की एक आईपीएस ऑफिसर हैं श्रेष्ठा ठाकुर, घर कानपुर में पड़ता है, फिलहाल शामली की डिप्टी एसपी हैं। दिमाग इतना तेज तरार कि बड़े बड़े शातिरों को मिनटों में पकड़ देती हैं। पर साल 2018 में उनके साथ ऐसा खेल हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए रोहित राज नाम का एक लड़का उनके कॉन्टेक्ट में आया। पूछने पर उसने बताया कि मैं एक आईआरएस ऑफिसर हूं, रांची में कमिश्नर के पद पर पोस्टेड हूं। श्रेष्ठा ठाकुर ने जब ये सुना तो पुलिस वाला दिमाग लगाया और रांची में कमिश्नर के बारे में जानकारी निकलवाई तो बात सच निकली। फिर फ्रॉड कैसे हुआ वो सुनिए। साल 2018 में दोनों ने शादी रचाई, शादी के करीब 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। इसी बीच उन्हें ये पता चल गया कि इसने शादी से पहले झूठ बोला था, ये कोई ऑफिसर नहीं है बल्कि सेम नाम होने का फायदा उठाया है। तभी शादी बचाने की वजह से श्रेष्ठा चुप रही, लेकिन कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। वहीं रोहित राज के साथ हुआ, अब उसने लोगों को ठगने का नया तरीका आजमाया, अपनी अधिकारी पत्नी के नाम पर पैसा वसूलने लगा। फर्जी साइन करके उसने खाते से 15 लाख रुपए निकाल लिए, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शादी के 2 साल बाद एक महिला ऑफिसर को तलाक लेना पड़ गया। यानी दुनिया में ऐसे ऐसे नटवरलाल घूम रहे हैं जिन पर भरोसा करना अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद करने जैसा है। इसीलिए आप अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हो या फिर खुद की शादी के लिए लड़का या फिर लड़का ढूंढ रहे हो तो शादी के 7 फेरे से पहले 7 बातों की जांच पड़ताल जरूर कर लें। पहला, जिससे शादी करना है उसका रियल नाम क्या है, उसके पैतृक आवास पर एक बार जरूर जाएं। दूसरा, जो भी उसका थाना हो वहाँ पर एक बार पता करवाएं उसके खिलाफ कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है। तीसरा, अगर वो अधिकारी या कर्मचारी बताए तो उसकी फोटो लेकर उसके ऑफिस में जाएं पता करवाएं। चौथा, अगर वो खुद को विदेश में रहने वाला बताता है तो उसकी पूरी कुंडली परिवार की मदद से खंगलवाएं। पांचवा, गुपचुप शादी के चक्कर में ना पड़े वरना कभी भी पारिवारिक जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। छठा, लड़का हो या फिर लड़की उससे मिले तो उसकी बातें और हरकतें मैच कर रही हैं कि नहीं ये जरूर देखें। सातवां, मैट्रिमोनियल साइट पर भरोसा न करें बल्कि माता पिता की ओर से ढूंढे गए रिश्ते को तवज्जो दें। बावजूद इसके अगर आपके साथ धोखा होता है, किसी भी तरह की जालसाजी होती है तो तलाक लेने में वक्त नहीं लगाएं। ये ना सोचे कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि आज भी हमारा समाज तलाक को अच्छी निगाह से नहीं देखता है। पर जिसके साथ जिंदगी नहीं बीत सकती, जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते में आकर भी धोखा दिया हो, उससे जितनी जल्दी अलग हो उतना बेहतर है ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत ना आए। डिप्टी एसपी श्रेष्ठा ठाकुर के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये तो एक पढ़ी लिखी और तेज तरार ऑफिसर है, जरा सोचिए किसी कम पढ़ी लिखी महिला या फिर पुरुष के साथ ये होगा तो क्या होगा। श्रेष्ठा ठाकुर ने आईपीएस बनने का सपना तभी देखा था जब कॉलेज के बाहर मनचले लड़कियों को परेशान किया करते थे, और जब पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। फिर उन्होंने खुद ही ऑफिसर बनकर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का संकल्प लिया और आधा दर्जन अपराधियों को पकड़ कर जेल में डाल चुकी हैं। और जिससे शादी की उसकी भी जब पोल खुली तो खुद ही मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल में डलवा दिया। ऐसे में आप इनकी बहादुरी पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताएं। साथ ही ये स्टोरी जागरूकता के उद्देश्य से हर मोबाइल तक जरूर पहुंचाएं।